So in our previous classes, we have completed the general introduction of the mal. Then we have completed Dhatujmal and Aharajmal. Among the Aharajmal, the Mutra is already completed, and today we will discuss Puris. So Puris, basically, this is not important. Vyutpatti, Puris, Niruti, how it is formed, or what it is known as Puris. तो जैसे मैंने कल एक श्लोक पढ़ाया था उसी का सेकंड लाइन है, आहारस्य रस सारा सारहीनो मल द्रवा सिरा अभिस्त जलम नीतम वस्त्रम नीतम वस्तु मूत्रत्वम आपने आती है, जो कल श्लोक बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। तो आहारस्य रस सारा सारहीनो मल द्रवा, तो जो आहार होता है जब उसका डाइजेशन होता है, तो आफ्टर डाइजेशन इट विल कन्वर्टेड इन टू द सारभाग एंड किटभाग। द सारभाग इज नोन एज आहार रस एंड किट भाग इज नोन एज मल। द लिक्विड पोर्शन ऑफ दैट मल इज नोन एज मूत्र एंड द सॉलिड पोर्शन ऑफ दैट इज नोन एज पुरीस या स्टूल। ठीक है, इसका जो प्रमाण है बॉडी में दैट इज सेवन अंजलि। तो मूत्र का जो प्रमाण था वो चार अंजलि था, पुरीस का जो प्रमाण है वो सेवन अंजलि। अब एक इम्पोर्टेंट कला है पुरीस धरा कला, तो जब एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे तब मैडम बताएंगे आपको पुरीस धरा कला क्या होती है। तो उसके रेफरेंस में फिजियो में क्या पढ़ना है कि पंचमी पुरीस धरा नाम या अंतकोस्ते मलम अभिविवस्ते पक्वास्यस्ता। दिस इज द श्लोक फ्रॉम शिशु संहिता सहिस्ता 4 चैप्टर 10th श्लोक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? द पंचमी पुरीस धरा नाम, द पंचमी जो कला है उस पंचमी कला का नाम पुरीस धरा कला है। या अंतकोस्ते, जो कोष्ठ के अंदर होती है, अंतकोस्ते, अंतकोस्ते मतलब अंदर, कहाँ पे? कोष्ठ में, जो कोष्ठ के अंदर होती है। मलम अभिविवस्ते, उसका काम क्या है? उसका काम ही है क्या? सारभाग और किटभाग मतलब मल भाग को ग्रहण करना। जो मल भाग बनेगा मतलब पुरीस और मूत्र, तो उसका डिवीजन करना, सॉलिड पोर्शन का और लिक्विड पोर्शन का डिवीजन करना। पक्वासे अस्था, पक्वासे में पाई जाती है। तो जो पुरीस धरा कला है, सात कलाएं होती हैं जो एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो पांचवी कला है उसका नाम पुरीस धरा कला है। ये कोष्ठ के अंदर पाई जाती है, अंतकोष्ठ। इसका काम क्या है? इसका काम है मल का विभाजन, मलम अभिव्यवस्थे, और कहाँ पाई जाती है? पक्वाशय में। तो पुरीस, पुरीस बेसिकली है क्या? बेसिकली पुरीस है क्या? तो जो आपका जो आहार है, आफ्टर डाइजेशन ऑफ द आहार सारभाग एंड किटभाग इज फॉर्म, एंड द सारभाग इज नोन एज द आहार रस एंड किटभाग इज नोन एज मल। द लिक्विड पोर्शन ऑफ दैट मल इज नोन एज मूत्र एंड द सॉलिड पोर्शन ऑफ दिस इज नोन एज पुरीस या मल। उसका बॉडी में जो प्रमाण है वो कितना है? दैट इज सेवन अंजलि। कहाँ बनता है? पक्वासे में, पुरीस धरा कला के थ्रू। तो पुरीस धरा कला कौन सी कला है? पांचवी कला है। अब इसका काम क्या है? वाई इट इज फॉर्म, वाई इट इज नेसेसरी टू फॉर्म। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर बायवा में पूछने वाला है कि पुरीस आपकी बॉडी में क्यों बनता है, आपकी बॉडी में पॉटी मल क्यों बनता है, स्टूल क्यों बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ना बने तो क्या होगा? तो दैट इज पुरीसम उपस्तंभम बायवा अग्नि धारणम चा। तो ये याद रखना है कि ये जो श्लोक है वो शिशु संहिता साहिर स्थान का है। तो श्लोक क्या कहता है? पुरीसम उपस्तंभम बायवा अग्नि धारणम चा। तो इस बॉडी के तीन उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो जो आहार से बनने वाला एक बाई प्रोडक्ट है दैट इज उपस्तंभ, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए उपस्तंभ वायु अग्नि धारणम चा। तो ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में अग्नि को धारण करता है, वायु और अग्नि को धारण करता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब वायु और अग्नि को धारण करता है। पता है ना कि सपोज जब मतलब इन केस आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, भूख नहीं लगेगी। एक मेन चीज जो होती है ना, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कि भाई पेट साफ नहीं होता है। जब पेट साफ नहीं होता है तो भूख नहीं लगती है और पेट में गैस बनती है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉन्स्टिपेशन के केस में पेशेंट आपसे आके कंप्लेन करेगा कि भाई अगर वो बोलेगा मुझे भूख नहीं लगती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है उससे, पेट साफ होता है या नहीं? जनरली आंसर विल बी नो, कि पेट जो है वो 2 2 3 3 दिन तक साफ नहीं होता है। वाय? तो क्योंकि पुरीस का काम है क्या? वायु और अग्नि को धारण करना। तो पुरीस आपकी बॉडी से निकल नहीं रहा, इसलिए वायु और अग्नि दोनों इम्बैलेंस हो गए। तो वाय व अग्नि धारणम च, तो अग्नि धारणम, अग्नि को धारण करना है। तो वो कैसे? कि मतलब जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, सामान्य रूप से मल की प्रवृत्ति होगी तो भूख सही से लगेगी, अग्नि प्रॉपरली हैम्पर काम करेगी, और अगर सामान्य रूप से मल की प्रवृत्ति होगी तो वायु, अपान वायु का कोई भी दोष नहीं होगा, अपान वायु अधूर आरक्षण में।
जो उदान वायु होती है उसकी डायरेक्शन ऊर्ध्व होती है, और जो अपान वायु होती है उसकी डायरेक्शन अधो होती है। तो जब मल की प्रॉपर प्रवृत्ति होगी तो अपान वायु अधो मार्ग में प्रॉपरली गमन करती रहेगी, उस व्यक्ति की अग्नि प्रॉपरली काम करेगी, क्योंकि वायु और अग्नि को धारण करना पुरीष का काम है। तो दिस इज एग्जामिनर बायो में पूछता है, क्या पूछता है कि पुरीष के काम क्या है, पुरीष बॉडी में करता क्या है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इट वायु धारण एंड अग्नि धारण, ये वायु को धारण करता है और अग्नि को धारण करता है। तो पुरीषम उपस्तंभम, पुरीष एक उपस्तंभ का पार्ट है, ये वायु को धारण करता है और अग्नि को धारण करता है। कुछ पिक्यूलियर से फंक्शंस होते हैं जो मतलब हम ऐसे तुक्का नहीं मार सकते। जैसे शुक्र धातु का कर्म था, शुक्र धातु के कर्म में क्या बताया था मैंने, शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देहबलम हर्ष बीजार्थम चाकरोति। तो ये श्लोक टिप्स पे होना चाहिए। ऐसे ही पुरीष का जो कर्म है वो भी थोड़ा अजीब सा है। तो पुरीषम उपस्तंभम वायु अग्नि धारणम च, तो वायु का धारण और अग्नि का धारण, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द पुरीष वा स्रोतस। तो जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि कोई भी स्रोतस पढ़ेंगे तो पहले मूल पढ़ेंगे, उसके बाद दुष्टि के कारण, फिर दुष्टि के लक्षण एंड देन चिकित्सा। तो इसके जो मूल हैं दैट इज पुरीष वाहनाम स्रोतसाम पक्वास्यो मूलम स्थूल गुदम। तो पुरीष वाहनाम स्रोतसाम, जो पुरीष वाह स्रोतस हैं, पक्वास्यो मूलम स्थूल गुदम च, तो उसके जो मूल है, एक तो पक्वास्य है लार्ज इंटेस्टाइन है, और एक स्थूल गुदम। स्थूल गुदम मतलब एक स्थूल गुद मतलब रेक्टम है ना। तो पक्वासे के जो मूल है, नॉट पक्वासे, पुरीष वा स्रोतस के जो मूल है, एक पक्वासे है और एक स्थूल गुलम है, लार्ज इंटेस्टाइन प्लस रेक्टम। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने बोला पुरीष वह द्वे तयोर मूलम पक्वाशो गुदम च। तो पुरीष वह स्रोतस दो होते हैं और उनके जो मूल हैं एक पक्वासे है और एक गुदम है। एक मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है पक्वासे, और एक एनल केनाल है। तो दिस इज पुरीषवा स्रोतस के मूल पकवासे और गुद। तो उन्होंने भी यही टर्म यूज किया है, पकवासे चरक ने भी, और सुश्रुत ने भी यूज टर्म किया है कि पकवासे और गुद। तो पुरीषवा स्रोतस के जो मूल है, बेसिकली जो पुरीष कहाँ बनता है, बेसिक उनके जो मूल है, ओरिजिनेटिंग फैक्टर्स, वो पकवासे और गुद है। अब कारण, किन कारणों से पुरीषवा स्रोतस दूषित हो जाएगा, तो श्लोक कहता है, श्लोक याद नहीं करना है ऐसे ही, बस एक बार ध्यान से देख लो। संधारणात् अत्यस्नाद अजीर्णाद अध्यस्नाद वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्वल अग्ने कृशश्च। श्लोक याद नहीं करना है, हा? क्या कहता है श्लोक, संधारणाद अत्यस्नाद अजीर्णाद अध्यस्नाद तथा वर्चो वाहिनी दुष्यंती दुर्वल अग्ने कृशश्च। तो संधारणाद, संधारणाद मतलब अपान वायु का वेग रोकने से, हा? संधारणात् अत्यस्नात्, अत्यस्नात मतलब एक्सेसिव ईटिंग, कभी भी कुछ भी बार बार खा रहे हैं, दैट इज अत्यस्नात्। अजीर्ण, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, किसी को प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है। अजीर्ण अध्यस्नात् मतलब इंडाइजेशन है फिर भी आप खाना खा रहे हो। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, आजकल शादी बरातें बहुत हो रही हैं, रात में कहीं बारात में गए थे, दवा के खा के आए, मतलब पनीर ये वो ज़्यादा ऑयली फूड, और सुबह उठ के मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया और चार आलू के पराठे भी खा लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा उससे, उससे सबसे पहले क्या होगा, आपका पुरीषवा स्रोतस जो है वो दूषित हो जाएगा, दैट इज अजीर्ण अध्यस्नात्। तो संधारणात्, संधारणात् मतलब बेगो अपान वायु के वेग को रोकना। अध्यस्नात् मतलब एक्सेसिव इरिलीवेंट ईटिंग, कभी भी कुछ भी बार बार खाना। अजीर्ण अध्यस्नात् मतलब इंडाइजेशन है फिर भी खाना। इंडाइजेशन के केस में हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी को इंडाइजेशन है, कोई बारात में बहुत ज़्यादा माल खा के आया है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, और जब तक उसका इंडाइजेशन ठीक ना हो, जब तक उसको साफ डगर ना आए, तब तक जो है उसको कुछ भी ब्रेकफास्ट या खाना नहीं खाना है, बार बार गर्म पानी पीना है। दैट इज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अजीर्ण। अजीर्ण एक बीमारी है, अजीर्ण एक डिसीज़ है, जो आप सेकेंड ईयर रोग निदान में पढ़ेंगे, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है अजीर्ण। तो अजीर्ण की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें क्या है, अजीर्ण के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अजीर्ण छः तरीके का होता है। तो जो एक मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि भरपेट नींद लेनी है, सोना है अच्छे से, और गर्म पानी पीना है, और तब तक नहीं खाना है जब तक एक शुद्ध उद्गार, शुद्ध उद्गार मतलब एक प्रॉपर खट्टी टकार या रात वाले खाने की टकार आनी बंद ना हो, तब तक गर्म पानी पीना है और आराम से सोना है, ठीक है। तो पुरीष वा स्रोतस के दूषित होने के कारण क्या थे, संधारणात्, संधारणात् मतलब अपान वायु के वेग को रोक के रखना,
अध्यसनात मतलब बार बार एक्सेसिव इररिलीवेंट ईटिंग, अजीर्ण अध्यस्त मतलब इंडाइजेशन है तब भी आप खाना खा रहे हो। वर्चो वाहिनी दुष्यंती, वर्चो मतलब पुरीस, वाहिनी मतलब ले जाने वाले, दुष्यंती मतलब दूषित, तो पुरीस को ले जाने वाले जो स्रोतस हैं वो दूषित हो जाते हैं। दुर्बलाग्नि कृशश्च, तो दुर्बलाग्नि मतलब उसकी जो अग्नि है, उस पेशेंट की जो अग्नि है वो दुर्बल हो जाएगी, कृशश्च, और वो मतलब लीननेस बॉडी में क्या आ जाएगी, लीननेस। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से पुरीस व स्रोतस दूषित हो जाते हैं। तो क्या फैक्टर्स थे, एक तो अपान वायु का वेग रोकने से था, एक्सेस इररिलीवेंट ईटिंग से था, इंडाइजेशन के टाइम भी आप खाना खा रहे हो उससे था, आप बहुत ज़्यादा वीक हैं इसकी वजह से था, और कृशस दुर्बल अग्नि, और उस पेशेंट की जो अग्नि है वो अग्नि ठीक नहीं है, तो इन कारणों की वजह से क्या होता है कि जो पूरी सवा स्रोतस हैं वो दूषित हो जाते हैं। इसके जो दुष्टि के लक्षण हैं, व्हाट इज द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स मिलेंगे, तो श्लोक क्या कहता है, सशब्दम सशूलम, सशब्दम सशूलम अतिद्रवम अतिग्रथितम, सशब्दम सशूलम अतिद्रवम अतिग्रथितम अति बहु च उपविशन्ति दृष्ट्वा पुरीस वाहनी श्रोतांसी प्रदुष्टान इति विधात। तो क्या वो मिलेगा सिम्टम्स, प्रेजेंटेशन क्या होगा बीमारी का, सशब्दम सशूलम, सशब्दम सशूलम मतलब कि शूल मतलब दर्द, शब्दम मतलब आवाज, पेट में जो है वो गुड़गुड़ की आवाज होगी और बहुत ज्यादा दर्द होगा। अतिद्रवम अतिग्रथितम, जो आपका मल आने वाला है, उस जो आपका फिसेस आने वाला है, दैट मे बी द लिक्विड वाटरी इन नेचर, दैट इज अतिद्रवम। अतिग्रथितम मतलब दैट विल बी द हार्ड कॉन्स्टिपेटेड मटेरियल, दैट इज अतिग्रथितम। अति बहु मतलब एक्सेसिव अमाउंट, च उपविशंती, तो ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे किसके केस में, जब आपका पुरीस जो है वो दूषित हो जाएगा, तो आपको पेन पेट में बहुत दर्द होने वाला है, दैट इज ससूलम, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने वाली, गुड़गुड़ साउंड आने वाली है, दैट इज सशब्दम। जो मोशन है दैट विल बी द वॉटरी, दैट मे बी द हार्ड बिकॉज ऑफ द अतिग्रथितम, और अति बहु दैट मैटर विल बी द एक्सेस। तो दीज आर द प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ द पुरीस वा स्रोतस दूषित लक्षण। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसका अतिसार के समान है, जैसे मूत्र वा स्रोतस में क्या था, मूत्र कृच्छ में प्रमेह के समान ट्रीटमेंट था, मूत्र क्षय में मूत्र कृच्छ के समान था, मूत्र वृद्धि में प्रमेह के समान था। मूत्रवाह स्रोतस पुरीसवाह स्रोतस का जो ट्रीटमेंट है वो किसके समान है, दैट इज अतिसार के समान। अतिसार क्या होता है, अतिसार लूज मोशन डायरिया एक डिसीज है, जो एक मतलब रोग विज्ञान के सेकेंड ईयर चैप्टर में आप पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे अतिसार के, तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको अतिसार में फॉलो करनी होती है, द सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको पुरीसवा स्रोतस में फॉलो करनी है। तो पुरीसवा स्रोतस 2 मिनट में ब्रीफ में समझ लेते हैं, पुरीसवा स्रोतस मूल, दुष्टि कारण, दुष्टि लक्षण एवं चिकित्सा। तो जो इसके मूल हैं वो मूल क्या है, पक्वासे और गुद, पक्वासे नाम स्थूल गुदम चा, है ना, और जो इसके दुष्टि के कारण थे, संधारणात था, अध्यसनात था, अजीर्ण अध्यसन था, दुर्बल अग्नि था, और जो था वो दुर्बल अग्नि था और कृशस था, तो इन सब कारणों की वजह से पुरीसवा स्रोतस जो थे वो दूषित हो जाते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा, प्रेजेंटेशन में सशब्दम सशूलम अतिद्रवम अतिग्रथितम अतिबहुलम, तो ये सब प्रेजेंटेशन है जो फिसिस का या मल का या पुरीस का देखने के लिए मिलता है। इसकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अतिसार के समान है। नेक्स्ट वी विल सी कि पुरीस का फॉर्मेशन कैसे होता है। पुरीस का फॉर्मेशन वही श्लोक है जो हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं, इसकी व्युत्पत्ति में निरुक्ति में, कि पक्वासेम तु प्राप्तस शोष्यमाणस वन्यना परिपिंडित पक्वश वायु स्यात् कटु भावता। तो जो आहार पाक में अवस्था पाक, अवस्था पाक में मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक, तो ये श्लोक हमने कटु अवस्था पाक में भी पढ़ा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो पक्वासेम तु प्राप्तस शोष्यमाणस वन्यना परिपिंडित पक्वस वायु स्यात् कटु भावता। तो पक्वासेम तु प्राप्तस, पक्वासे में प्राप्त होकर शोष्यमाणस वन्यना, शोष्यमाणस, तो शोष्यमाणस मतलब सुखा दी जाती है, वन्यना वहां पे जो अग्नि है, वन्नी मतलब अग्नि, तो पक्वासे में जब भोजन पहुंचता है, जो रेजिडुअल मैटर पहुंचता है, तो वहां पे उपस्थित अग्नि के द्वारा उसका जलीय अंश सुखा दिया जाता है।
मतलब कोलोन में जो है आपकी बॉडी से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। परिपिंडित पक्वस्य वायु, परिपिंडित जब सारा वाटरी पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो जो बचा कुचा रेजिडुअल मैटर है वो कैसा हो जाता है, परिपिंडित पिंड के रूप में आ जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावता, और उसी समय वात दोष की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो दस वाट एक्चुअली वात पित्त कफ आपकी बॉडी में कब ओरिजिनेट होते हैं, वात पित्त कफ आपकी बॉडी में अवस्था पाक के सीक्वेंस में, मधुर अवस्था पाक में कफ की उत्पत्ति होती है, अम्ल अवस्था पाक में पित्त की उत्पत्ति होती है, और कटु अवस्था पाक में वात की उत्पत्ति होती है। तो वात पित्त कफ आपकी बॉडी में कब ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज अवस्था पाक के दौरान। ठीक है, और धातु कब ओरिजिनेट होती है, दैट इज निष्ठा पाक के दौरान। और पंचमहाभूत का नरिशमेंट, पंचमहाभूत कब ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज निष्ठा पाक के दौरान। बच्चों को ये नहीं पता होता कि आपकी बॉडी में दोष धातु मल कब ओरिजिनेट होते हैं, बेसिकली दोष कब ओरिजिनेट होते हैं, अवस्था पाक के दौरान, धातु और पंचमहाभूत कब ओरिजिनेट होते हैं, निष्ठा पाक के दौरान। ठीक है, तो ये जो श्लोक था, श्लोक क्या कह रहा था, पक्वासयम तु प्राप्तस, मधुर अवस्था पाक हो चुकी है, अम्ल अवस्था पाक हो चुकी है, उसके बाद जब मैटर पक्वासय में पहुंचता है तो वहां पे उपस्थित अग्नि के द्वारा उसके जलीय अंश को सुखा दिया जाता है और वो रेजिडुअल मैटर सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के समय कटु भावों के रूप में वात दोष की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये क्या था, ये हाउ द पुरीसेस फॉर्म, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट कैन कम इन 2 मार्क्स इन एग्जाम, कि पुरीस निर्माण, तो ये आपको पहले से पता होगा क्योंकि जब आपने अवस्था भाग पढ़ा था तब। नेक्स्ट वी विल सी द पुरीस वृद्धि के लक्षण, तो जब पुरीस बढ़ जाएगा तब क्या होगा, पुरीसम आटोपम कुक्षो शूलम च, तो पुरीसम आटोपम कुक्षो शूलम च, तो जब आपकी बॉडी में पुरीस बढ़ जाता है, पुरीस कब बढ़ता है, कुछ पदार्थ हैं जो पुरीस को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन रुगेस, जिसमें रुगेस बहुत ज़्यादा है, रुगेस जैसे अमरूद खाओ, अमरूद खाने के बाद, क्योंकि अमरूद में रुगेस फाइबर बहुत ज़्यादा है। इन अदर देन जो क्लासेस में एग्जाम्पल दिया है, माश, माश मतलब काला उड़द, तो काले उड़द की दाल जो है वो भी पुरीस वर्धक होती है। तो जब पुरीस आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आटोपम, आटोपम मतलब फ्लैटुलेंस, पेट में गैस बनेगी, कुक्षो शूलम चा और पेट में दर्द होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत, बागभट्ट क्या कहते हैं, कुक्ष आदमानम आटोपम गौरवम वेदना सकृतम, तो कुक्ष आदमानम पेट में गैस बनेगी, आटोप गुड़गुड़ साउंड होगी, गौरवम हैवीनेस एंड वेदना और पेन होगा, पेट में हैवीनेस होगी, गौरवम पेट में दर्द होगा, वेदना पेट में गैस बनेगी और गुड़गुड़ साउंड होगी, दैट इज आदमान और आटोप दोनों। तो सुश्रुत ने क्या शब्द यूज किया, सुश्रुत ने शब्द यूज किया आटोप, और बागभट्ट ने क्या शब्द यूज किया, आदमान एंड आटोप दोनों। तो अगर हम श्लोक नहीं याद करने हैं, मतलब हर चीज बहुत, कितने श्लोक याद करने सर, तो नेचुरल सी बात है, तो पुरी इस वृद्धि में कुछ याद नहीं करना, गैस बनने वाली है, गुड़गुड़ आवाज होने वाली है, गैस बनने वाली है दैट इज आदमानम, गुड़गुड़ आवाज होने वाली है दैट इज आटोपम, पेट में दर्द होने वाला है दैट इज वेदना, कुच्छी वेदना, और पेट में हैवीनेस होने वाली दैट इज कुच्छी गौरवता, तो पेट भारी रहेगा, पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी, तो पेट भारी होगा दैट इज कुच्छी गौरवम, पेट में दर्द होगा दैट इज कुच्छी वेदना, गैस बनेगी दैट इज आदमानम एंड आटोपम, दिस इज पुरीस वृद्धि। पुरीस 6 में क्या होता है, दिस इज इंपोर्टेंट, ये 2 लाइन का श्लोक याद कर लीजिएगा, श्लोक क्या कहता है, क्षीणे सकृत चांत्राणि पीडियनिव मारुता रुच्छस उन्मयम कुक्षि त्रियक ऊर्ध्वम च गच्छति, क्षीणे सकृत चांत्राणि पीडियनिव मारुता, तो क्षीणे, क्षीणे मतलब जब आपकी बॉडी में क्षय हो जाता है, किसका, सकृत का, चांत्राणि पीडियनिव मारुता, तो जो मारुत है, मारुत मारुत समीरण किसके पर्याय है, वात के, तो जो मारुत है कौन सी बात होगी, नेचुरल सी बात है अपान वायु होगी, तो जो मारुत है वो पीड़न करती है, वो दर्द करती है, किसी चीज को पीड़ा करती है, किसको, आंतों में, तो जब पुरीस का क्षय हो जाता है तो अपान वायु जो है वो आंतों का परिपीडन करती है, रुच्छस उन्मयन कुक्षि तिरक ऊर्ध्वम चा गच्छति, और वो क्या करती है, उन्मयन ऊपर की ओर जाती है, त्रियक, त्रियक मतलब साइड में जाती है, ऊर्ध्वम चा गच्छति, तो वो क्या करती है, जब पुरीस का क्षय होगा तो जो अपान वायु है, तो अपान वायु जो है आंतों में परिपीडन करती है, परिपीडन मतलब आंतों को डिस्टर्ब करती है, और डिस्टर्ब कैसे करती है, या तो ऊर्ध्वम ऊपर की ओर जाएगी, त्रियक या फिर साइड में जाएगी, मतलब वो गैस अधो, अपान वायु का नॉर्मल मूवमेंट कैसा होता है, अधो नीचे की ओर, उदान वायु का ऊपर की ओर, तो
लेकिन जब पुरुष का क्षय हो जाता है तो अपान वायु नीचे जाने की बजाय ऊपर या साइड में जाने लगती है और पेट में बहुत दर्द करती है। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ पुरुष क्षय अकॉर्डिंग टू द चरक। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत कहते हैं पुरुष क्षय हृदय पार्श्व पीड़ा सशब्दश्च वायोर ऊर्ध गमनम कुक्षो संचरणम च। तो पुरुष क्षय हृदय पार्श्व पीड़ा, अब इसमें एक शब्द आया हृदय पार्श्व पीड़ा, तो पुरुष का क्षय सुना है ना, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को हार्ट में पेन होता है ना, आधी रात में 11 बजे हार्ट में पेन हुआ और वो डॉक्टर के पास चले गए है ना कि भाई हार्ट अटैक आ गया, सुनते हैं ना फिल्मों में देखते हैं, और डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर एक सिंपल डाइजीन देता है और उसके बाद दर्द ठीक हो गया, बोलते नहीं गैस की वजह से दर्द हो रहा था, वो हार्ट अटैक नहीं था। तो आयुर्वेद में जो एक टर्म है हृदय शूलम, हृदय पीड़ा कहाँ बताई गई है, वो बताई गई है पुरुष क्षय के केस में। तो पुरुष क्षय हो रहा है लेकिन हृदय में पीड़ा हो रही है, कुछ लेने देना नहीं है हृदय का, लेकिन गैस इतनी ज्यादा चढ़ गई है कि वो हार्ट रीजन तक पहुंच गई है, जो प्रैक्टिकली देखा जाता है। तो दैट इज हृदय पार्श्व पीड़ा, हृदय में दर्द, साइड्स में दर्द, सशब्दश्च वायोर ऊर्ध गमनम, वायु ऊपर की ओर गमन करेगी, कुक्षो संचरम च और कुक्षी में मूव करेगी। तो ये जो पहला वाला श्लोक था 2 लाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दूसरा भी याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो ये 2 नंबर में आएगा पुरुष क्षय के लक्षण, आपको श्लोक याद नहीं करना है। तो आप 4-5 टर्म्स हैं संस्कृत के, आप ये याद कर लीजिए। संस्कृत टर्म्स क्या कहते हैं, अंतराणि पीडयन्निव मारुता, तो आंतों को पीड़न करती है कौन, अपान वायु। कुक्षी त्रियगूर्ध्वम च गच्छति, कुक्षी में मूव करती है कैसे, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वम त्रियग मतलब साइड की ओर, मूव मतलब गच्छति। हृदय पार्श्व पीड़ा, हृदय में दर्द और पार्श्व में दर्द। कुक्षो भ्रमति या तो ऊर्ध्वम, तो कुक्षी में राउंड राउंड घूमती है, भ्रमति। शरीरस्य रूक्षता, बॉडी में ड्राइनेस करती है। सशब्दश्च वायोर ऊर्ध गमनम, और आवाज करती हुई, साउंड करती हुई वायु ऊपर की ओर मूव करती है। तो उसमें कुछ है नहीं, आंतों में पीड़ा करती हुई त्रियक और ऊर्ध गच्छति करती है। ठीक है, पहला पॉइंट आंतों में पीड़ा करती है, आंतों में पीड़ा मतलब डिस्टरबेंस करती है इंटेस्टाइन में। दूसरा पॉइंट ऊपर की ओर मूव करती है और साइड में मूव करती है। तीसरा पॉइंट क्या था, ऊपर की ओर आवाज करती हुई मूव करती है, जो लास्ट में दिया है सशब्दश्च वायोर ऊर्ध गमनम, तो ऊपर की ओर मूव कर रही थी और साइड में मूव कर रही थी, दैट इज त्रियक ऊर्ध्वम च गच्छति। एक पॉइंट और क्या था कि ऊपर की ओर आवाज करती हुई मूव करती है, दैट इज सशब्दम च वायोर ऊर्ध गमनम, और कुक्षो भ्रमति राउंड राउंड घूमती है, कुक्षो भ्रमति और शरीरस रूक्षता, और आपकी बॉडी में ड्राइनेस करती है। तो दीज आर वॉट कि पुरीस छह। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पुरीस पढ़ा, हो सकता है कि 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पुरीस आ जाए, तो आपको सब कुछ समराइज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द निरुक्ति, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रमाण, इसके काम क्या है, वायु अग्नि धारणम चा पुरीस व स्रोतस ब्रीफ में, पुरीस छह में क्या होता है, पुरीस वृद्धि में क्या होता है, दैट मे कम फॉर 10 मार्क्स, नहीं तो जनरली क्या होता है 2 मार्क्स में आएगा, क्या आएगा पुरीस छह, एक बहुत फेमस कोटेशन है पुरीस छह, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से एग्जाम में आ रहा है, पुरीस छह या पुरीस का निर्माण, ये नहीं आएगा क्योंकि वो आपने कटु अवस्था पाक में पढ़ लिया है, पकवा से प्राप्त है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का सिर्फ पुरीस लिखा हुआ आ जाएगा, दूसरा जो क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है दैट इज 2 मार्क्स में पुरीस छह। तो आई होप आई जस्ट मेक यू क्लियर, थैंक यू।